तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में केमिस्ट्री गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं भाई। हम लोग बात करेंगे आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की, ठीक है। और आज इसकी सेकंड वीडियो है बेटा जी, एंड आई होप कि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो बहुत अच्छे से देख ली है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के सीरियल वाइज, हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे। 1.2 लेक्चर जो है हमारा एनसीईआरटी में वो है नेचर ऑफ मैटर, मैटर की नेचर कैसी होती है, ये हम आज लोगों का हमारा टॉपिक है। एंड ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा अगर आप क्लास 11th के लिए जा रहे हो, जेई के लिए जा रहे हो, नीट के लिए जा रहे हो। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अभी अप्रैल मंथ में आपको ट्यूशन की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, घर बैठ के पढ़ो। सिर्फ 99 आप लोगों ने पे करना है, सिर्फ 99। इसमें आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, ठीक है। आप लोगों ने रेफरल कोड यूज करना है BPanchal10, ज्वाइनिंग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रेफरल कोड यूज करोगे BPanchal10 तो आपको सिर्फ, देखिए फीस जो है 2500 है और वो आपको कितने में हो जाएगा, 99 में हो जाएगा। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको वहां पे पढ़ाएंगे सभी सब्जेक्ट, आपको साथ के साथ नोट्स मिलेंगे, साथ के साथ आपके डाउट सेशन भी होंगे। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है जरूर ज्वाइन कर सकता है। चलिए हम अपनी बात पे चलते हैं। तो हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर की बात करें, उससे पहले हमें समझना होगा कि मैटर किसे बोलते हैं। मैटर बोले तो पदार्थ है ना, किसे बोलते हैं। एनीथिंग विच हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वो चीज जिसमें एक मास होता है, जो जगह घेरती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। हमेशा याद रखना, जब भी डिफाइन करना है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल की बात करें तो सभी एग्जाम्पल है, सभी चीजों में मास भी होता है, सभी चीजें जो है जगह भी घेरती है। लाइक बुक हो गया, पेन, पेंसिल, वॉटर, एयर, लिविंग बींग, सभी के सभी क्या है, मैटर है। इसके बाद हम लोग करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बोले तो बंटवारा, बांट देना इनको, है ना। तो दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है बेटा जी, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। नाउ व्हाट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल होता है जब हम किसी चीज को ऊपर से देख के बताते हैं, ठीक है। जब हम किसी की कलर की बात करते हैं, साइज की बात करते हैं, शेप की बात करते हैं, स्ट्रक्चर मीन्स आउटर जब बात करेंगे, और जब इनर बात करते हैं तब हम लोग बात करते हैं उसकी केमिकल, समझ लो। लाइक मैं बोलता हूँ कि वो बहुत स्मार्ट है, ठीक है, वो बहुत काला है, वो बहुत मोटा है, तो ये आउटर है, ये फिजिकल है। और मैं कहूँ यार वो बहुत शार्प माइंडेड है, ठीक है, वो पढ़ाई में बिल्कुल डफर है, ठीक है, वो बड़ा दिलेर बंदा है, तो ये सब कैसी बातें हो जाती हैं, ये केमिकल हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए मैटर को जब हम क्लासिफाई करेंगे, इनको एक एक पॉइंट को बेटा जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से समझना। और एक और बात कि जिन बच्चों को इस लेक्चर के पीडीएफ चाहिए ना, टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ है फ्री में, आपको साथ के साथ इसके पीडीएफ मिल जाएंगी, मैं वहां पे शेयर कर दूंगा, वहां पे देख लेना आप लोग। तो फिजिकली अगर मैं क्लासिफाई करता हूँ मैटर को, तो तीन तरह से क्लासिफिकेशन होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। और केमिकल में दो तरह से होती है, प्योर एंड मिक्सचर, या कह सकते हैं प्योर एंड इम्प्योर। अब देखिए जब प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं, तो प्योर दो तरह से होता है, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। और मिक्सचर भी दो तरह से होता है भाई, क्या क्या होता है मिक्सचर में, मिक्सचर में होमोजीनियस हो सकता है, हेटरोजीनियस हो सकता है। कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो कंपाउंड्स होगा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और एलिमेंट्स की फर्दर अगर मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ बेटा जी, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सॉलिड्स हम लोग किसे बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड हम लोग किसे बोलेंगे भाई, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। देखो मास तो सब में होगा, ठीक है, जिसकी डेफिनेट शेप भी होती है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। एक फिक्स शेप होती है, लाइक ये मोबाइल है ना, एक फिक्स शेप है इसकी। अगर मैं इसको ग्लास में डाल दूंगा, ग्लास वाली शेप तो नहीं लेगा, बोतल में डाल दूंगा, बोतल वाली शेप तो नहीं लेगा, इसी शेप में रहेगा। और वॉल्यूम, इसने जगह भी घेरनी है, फिक्स ये जगह भी घेरेगा, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया बुक, पेंसिल, वुड, बोतल, डायमंड, ग्रेफाइट, मोबाइल, जो भी आपको दिल करे, ठीक है। अभी आसपास जो तुम्हारे रखी हुई चीजें हैं, वो बुक, पेन, पेंसिल, लैपटॉप, मोबाइल, यही सब होगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी, और प्लस टू क्लास में मैं आपको बताता चलूं कि प्लस टू में भी सॉलिड स्टेट ऐड हो गई है, ठीक है, और ये 4 to 5 मार्क्स का चैप्टर बनता है, तो समझ लेना अच्छे से पॉइंट इसके। देयर पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैं सॉलिड्स के पार्टिकल्स की बात करता हूं, तो ऐसे हम लोग मानते हैं, हम मानते हैं कि केमिस्ट्री में हर एक चीज एटम से मिलके बनी है, ठीक है, और इन एटम्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अगली बात करें
तो इंटर पार्टिकल स्पेस इज नेग्लिजिबल, इनका जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो नेग्लिजिबल होगा, बिल्कुल ना के बराबर होगा। पार्टिकल्स कांट मूव, आप खुद से देखो कि क्या किसी सॉलिड के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं? बिल्कुल भी मूव नहीं करते। अगर पेन है वो पेन वहीं पे रखा रहेगा, मोबाइल है वो वहीं पे रखा रहेगा, ठीक है। बट अगर हम बात करें लिक्विड की, लिक्विड के पार्टिकल मूव करते हैं, ठीक है। आपने देखा हो कहीं पे अगर मान लो नहर है पानी की, तो आपने देखो उसकी लेयर जो ऊपर से वो चलती रहती है और नीचे भी चलती रहती है, नीचे स्लो चलती है। या फिर गैस की बात कर लो, पड़ोसियों के घर में कड़े चावल बने, दूसरे पड़ोसियों को पता चल जाता है वो कैसे, कोज वो जो स्मेल होती है ना, वो जो गैस होती है वो इधर उधर फैलती रहती है। जब सुबह आप लोग धूप बत्ती करते होंगे, धार्मिक होना चाहिए, बुरा टाइम चल रहा है, तो क्या होता है, तब क्या होगा कि वो धूप बत्ती की स्मेल भी आ जाती है। वो रीजन क्या है, वो गैस के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। बट सॉलिड्स के केस में ऐसा नहीं होता, सॉलिड सिर्फ तभी मूव करेगा जब हम उसको पुश करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, और वो तब भी इसी तरह मूव करेगा कि अपनी पोजीशन पे रहेगा। लाइक अगर मैं इन पार्टिकल्स को मूव करवाना चाह रहा हूं तो ये मूव नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मैं चाहूं कि ये मूव कर जाएं तो ये मूव नहीं करेंगे, मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये सारे के सारे अपने अपनी जगह पे ही आगे सरकते जाएंगे। अगली बात करें, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्यों होता है सर? क्योंकि पार्टिकल बिल्कुल पास पास है, अब मेल्ट करना है तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग लिक्विड्स की, कि लिक्विड्स का क्या फंडा रहता है। देखिए, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, जिसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है बट शेप नहीं होती। अब किसी भी लिक्विड की बात करो तो वो क्या कर लेता है, कंटेनर की शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। अगर आपने पानी को गिलास में डाला तो गिलास की शेप में आ जाएगा, बोतल में डाला तो बोतल की शेप में आ जाएगा, कटोरी में डाला तो वो कटोरी की शेप में आ जाने वाला है। एग्जाम्पल की बात करें तो वॉटर, बेंजीन, टोलविन, एल्कोहल, एल्कोहल समझते ना, ठेके यहाँ नित खड़के है ना, दारू, दारू को बोलते हैं एल्कोहल, याद रखना। आगे पॉइंट पढ़ते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स इज लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैसेज। अगर आप बात करते हो कि इनके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होती है, सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होगी। देखिए, आप समझिए मेरी बात को, कि सॉलिड्स के पार्टिकल तो बिल्कुल पास पास रहते हैं, लिक्विड के थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं, और गैस के तो बिल्कुल ही पूर्व पश्चिम होते हैं, वो दूर दूर होते हैं। आगे बात समझिए, द पार्टिकल्स कैन मूव, अब लिक्विड के पार्टिकल मूव करते हैं और इसी वजह से उसके अंदर क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है फ्लोइंग की, इसी वजह से लिक्विड फ्लो करता है। आप समझ सकते हो, लिक्विड फ्लो करता है चला जाता है अपने आप। द इंटर पार्टिकल स्पेस इज मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैसेज, अगर आप इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस की बात करते हो तो वो सॉलिड से ज्यादा है और गैस से कम है। अच्छा बेटा जी, आप लोगों ने मुझे बताना है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसे बोलते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट बात करें, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, ये बात मैंने आपको बताई कि जिसमें भी आप इसको रखोगे, जिस भी कंटेनर में आप इसे डालोगे, ये उसी की शेप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। दे हैव लेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन सॉलिड, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है ना, वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम रहता है, ठीक है। बात आगे बढ़िए, देखिए आगे बात करते हैं हम लोग गैसेज की, गैस किसे कहते हैं। द स्टेट ऑफ मैटर विच नेदर हैज डेफिनेट शेप नोर डेफिनेट वॉल्यूम, जिसका ना तो डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, कुछ भी डेफिनेट नहीं होता, मास होता है, वो सभी का होता है। एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, बहुत सारी गैसेज है। आगे बात समझे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल, अगर इनके पार्टिकल्स में आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करोगे तो वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। द पार्टिकल्स मूव विद हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं। दे ऑल्सो हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूडिटी, अब मूव करते हैं तो फ्लूडिटी की प्रॉपर्टी होगी, फ्लो करने की प्रॉपर्टी होगी इनके अंदर। द इंटर पार्टिकल स्पेस इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा होती है, और सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में होता है। एंड दे कंप्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड, बिल्कुल जगह घेर लेते हैं जिसमें भी इसको रखा जाता है। दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह से आप बना के दिखा सकते हो कि भैया ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैस। क्लियर होती है ये बात आपको? तो यहाँ पे ये हमारा खत्म हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। ओके, तो आई होप कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे समझ में आ गया। बेटा जी, कुछ भी डाउट हो ना, कुछ भी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना कि सर हम यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की, और केमिकल प्रॉपर्टीज
आगे बढ़े। अच्छा, ये हमारी जो तीन स्टेट थी, सोलिड, लिक्विड एंड गैस, इनके बारे में आपको बताता चलूं कि आप इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, सोलिड से लिक्विड बना सकते हो, लिक्विड से गैस बना सकते हो। एग्जाम्पल लो, लाइक बर्फ, आपके पास बर्फ सॉलिड होगा, बर्फ को अगर आप गर्म करोगे, ठीक है, तो वो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, लिक्विड को पानी को गर्म करोगे तो वो गैसियस वेपर बन जाएंगे उसके, समझ रहे हो। और ये देखिए यहाँ पे बनाया भी हमने कि अगर सॉलिड को हम हीट करें तो वो लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को हीट करें तो वो गैस बन जाता है, और अगर गैस को कूल कर देते, ठंडा कर देते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, स्कूल एग्जाम के अंदर भी। तो चलिए, तो दो तरह से होता है भाई, प्योर एंड इम्प्योर, एंड आई होप आपको पता प्योर किसे कहते हैं। प्योर कैसे कहते हैं, द मटेरियल हैविंग ओनली वन सबस्टांस, जिसके पास सिर्फ एक सबस्टांस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर बोलने वाले हैं। अब प्योर की फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, टू टाइप्स होते हैं इसके, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स किसे कहते हैं, देखिए नई वाले डेफिनेशन पे चलते हैं। एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, जिसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसे ही हम लोग बोलने वाले हैं एलिमेंट, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स होंगे। लाइक अगर आप बात करो गोल्ड की, तो गोल्ड में सारे एटम्स गोल्ड के ही होंगे, छोटे छोटे एटम होंगे और वो सारे गोल्ड के होंगे, ठीक है। लेड की बात कर लो तो उसमें सारे छोटे छोटे एटम लेड के होंगे, अगर हम प्योर की बात कर रहे हैं, ठीक है। टिल नाउ 118 एलिमेंट जो है उनकी डिस्कवरी हो चुकी है। एक आपने अगर बुक खोली हो केमिस्ट्री की, तो जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें उल्टी सीधी एबीसीडी लिखी होती है, उसे पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, केमिस्ट्री का फर्स्ट सेकंड पेज पे होती है। तो उसमें 118 एलिमेंट है जिनकी खोज हो चुकी है। अब जो एलिमेंट होगा वो 119th एलिमेंट होगा, एंड नई पीरियोडिक टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब 118 एलिमेंट में से 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरली अकरिंग है, जो नेचर से हमें मिले हैं। यूरेनियम है 92nd एलिमेंट, एंड उसके बाद जितने भी एलिमेंट हैं 93 to 118 तक, वो सब मैन मेड है, वो इंसानों ने लैब के अंदर, ठीक है, प्रैक्टिकल परफॉर्म कर करके उनको बनाया है। और अगली बात मैं आपको बताऊं कि इन एलिमेंट्स को सिंथेटिक एलिमेंट भी बोलते हैं, सिंथेटिक एलिमेंट कह लीजिए, मैन मेड एलिमेंट कह लीजिए, या फिर एक वर्ड इनके लिए यूज किया जाता है, ट्रांस यूरेनिक। ट्रांस यूरेनिक क्या मतलब है सर इसका, क्योंकि ये यूरेनियम के बाद आए हैं सब, तो इनका नाम हो गया ट्रांस यूरेनिक। अब बात करते हैं बेटा जी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स के कितने टाइप होते हैं, एलिमेंट्स के 3 टाइप्स होते हैं, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। बात करते हैं मेटल्स की। देखो हमारी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हम नॉन है, उनमें सबसे ज्यादा मेटल्स ही होते हैं। अब मेटल की सबसे खास प्रॉपर्टी होती है दैट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास हो जाती है, हीट बहुत अच्छे से पास हो जाती है। और केमिस्ट्री में ऐसे नहीं माननी चाहिए, प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए ना, किसी मेटल को लो करंट पे लगा के देखो, करंट लगता है, बाल खड़े होते हैं क्या, अब करना नहीं है, ये मजाक की बात है। मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, वो क्यों हो जाती है, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाद में समझेंगे इस बात को, फिजिक्स में ज्यादा डिटेल में बताया जाएगा। ये मलिएबल होते हैं, मलिएबल मीन्स इनको पीट के चादर बनाई जा सके, पतली पतली शीट बनाई जाती है। डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल बोले तो इनको खींच के पतली पतली तारे बनाई जा सकती हैं। लस्टरस होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनकी कि चमकदार होती है, मेटल जितनी भी होती हैं वो शाइन करती हैं। दीज आर जनरली सॉलिड, मेटल जितनी भी आपको देखने को मिलेंगी वो जनरली सॉलिड होंगी, हार्ड होंगी, और उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। एग्जाम्पल गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, अबाउट 80% एलिमेंट्स आर मेटल्स। जितने भी 118 एलिमेंट्स आपको पता है, उनमें से 80% जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स ही होती हैं भाई, समझ रहे हो। आगे बढ़ते हैं बेटा जी नॉन मेटल्स, और मैं ये बोलूंगा आपको बिल्कुल साथ में जुड़े रहना, डेली एक वीडियो आने वाली है और बहुत अच्छे से हम लोग 11th क्लास को निपटाने वाले हैं, ठीक है। दीज आर आइदर सॉलिड्स और गैसेस, नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकती हैं, गैस भी हो सकती हैं। सिर्फ एक ऐसी नॉन मेटल है ब्रोमीन, जो कि किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। नॉन लेस्टरस होते हैं, ब्रिटल होते हैं, एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब एक वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं ब्रिटल, देखो जो मेटल की हार्डनेस अगर आपको पता हो, मेटल हार्ड होती हैं, अगर आप उनको नीचे गिरोगे तो वो टूटेंगे नहीं। बट अगर मैं बात करूं लाइक कांच है हमारे पास, ठीक है, अगर आप कांच को नीचे फेंकोगे तो वो ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है ब्रिटलनेस।
इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटल, समझ रहे हो। तो नॉन मेटल जो होती है ना वो ब्रिटल होती है, और जो मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप उनको डालोगे वो टूट जाएंगे, किसी भी मेटल की बात कर लो। अगर आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, आप सिल्वर चांदी का कड़ा होगा, आप उसको नीचे डालो क्या वो टूट जाएगा। बट अगर ऐसा ही आपके पास ग्लास का हो एंड और भी बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं, अगर आप उनको ऐसे घेरोगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे। क्लियर है। अब सॉलिड नॉन मेटल का एग्जाम्पल है बेटा जी सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन एंड आयोडीन। गैसियस का हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। कमेंट सेक्शन में बताओ लिक्विड नॉन मेटल कौन सी है, बता चुका हूं। अब मुझे पता लगे तुम्हें याद है वो या नहीं है, बिल्कुल अभी बताया। अच्छा, मेटलॉइड्स किसे कहते हैं? अब देखो, एक लड़का होती है, एक लड़की होती है, एक उनके बीच वाली कैटेगरी होती है ना, जिसमें लड़का लड़की दोनों की प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह से मेटल होता है, नॉन मेटल होती है, और एक मेटलॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? विच पोसेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी जिसके अंदर होती है ना, उसे हम लोग बोलेंगे मेटलॉइड। एग्जाम्पल आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सिलिकॉन, जर्मेनियम। याद ही करने पड़ेंगे, पॉसिबल हो तो इसकी ट्रिक बनाओ और वो मुझे बताओ कि सर हमने ये खोज किया, हमने ये ट्रिक बनाई है इसकी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहते हैं? अब देखो, एलिमेंट होता है जो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनेगा। कंपाउंड क्या होगा? अ प्योर सब्सटेंस विच इज ऑलवेज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन फिक्स रेशियो बाय मास। कंपाउंड को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो यौगिक, यौगिक इज लाइक सम, जोड़ना है। और सर जब जोड़ना पड़ गया तो वो प्योर कहां हुआ? अच्छा, हम बोलते हैं शुद्ध देसी घी, है ना। शुद्ध देसी घी का मतलब क्या है कि उसमें सिर्फ घी के पार्टिकल होंगे और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। अच्छा, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, समझ रहे मेरी बात को। अब टाटा, रतन टाटा जी ने बहुत दान दिया है। अब एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो टाटा नमक, देश का नमक। अब नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड सोल्ट। अब ये तो मिक्सचर है, इसमें तो दो एलिमेंट हो गए, बट इनका जो प्रोपोर्शन बाय मास रहता है ना वो फिक्स रहता है। मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, वाटर। क्या प्योर वाटर नहीं होता? होता है, जो हम पीते हैं वो मोस्टली प्योर वाटर होता है। बिसलेरी वगैरह की बात कर लो तो वो प्योर वाटर है, बट इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी कंबाइंड हुए हैं। अच्छा, अगर आप इनका रेशियो देखो बाय मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 2 का कितना होगा 2, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब हमेशा बेटा जी, अगर प्योर वाटर होगा ना तो उसमें एलिमेंट्स के कंबाइन करने के बाद जो रेशियो रहेगा वो 1:8 रहेगा। फोकस करना ये थोड़ी सी ना, बाकी टेंशन मत लो, आगे और ज्यादा डीप में समझोगे कंपाउंड्स किसे कहते हैं। कंपाउंड्स बनते हैं एलिमेंट से, डिफरेंट एलिमेंट से, बट उनका जो रेशियो बाय मास रहता है ना वो फिक्स रहता है। और अगर वो फिक्स नहीं है तो वो इम्प्योर होगा, और अगर वो फिक्स है तो वो प्योर की कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही अगर हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन का मास यहाँ पे 12 है, ऑक्सीजन का कितना होगा 16 × 2, कोई दो ऑक्सीजन है ना 32। पढ़ के आए हो, अच्छी बात है, नहीं पढ़ के आए तो कोई दिक्कत नहीं है, एटॉमिक मास हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहां से रेशियो बाय मास आ जाएगा 3:8, ठीक है, 3:8 आ गया, और वो हमेशा फिक्स रहेगा। अच्छा, एक और बात ध्यान से समझना, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम विच इट इज फॉर्म्ड। जो कंपाउंड है, जिन एलिमेंट से मिलकर बनाया है, उनकी प्रॉपर्टी उनसे बिल्कुल डिफरेंट होगी जिनसे वो मिलकर बनाए। लाइक दो पेरेंट से बेबी बना और उनकी प्रॉपर्टी देखो, हमारे स्ट्रगल किससे मिलती है? हमारे पेरेंट्स से मिलती है, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी की अपने पेरेंट्स से नहीं मिलती, तो वो क्या होते हैं, वो कैटेगरी मिलती है कंपाउंड में, मतलब जिनसे वो मिलकर बनाया वो उन वाली प्रॉपर्टीज में नहीं होगी। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि क्या है। वॉटर है, वॉटर किससे मिलकर बनता है? हाइड्रोजन गैस से, ऑक्सीजन गैस से। अब हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, बट वॉटर तो लिक्विड होता है, अलग प्रॉपर्टी होगी। हाइड्रोजन एक हाईली कंबस्टिबल गैस है, बहुत ज्यादा आग लगती है, एंड ऑक्सीजन कंबस्टन को सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन की वजह से आग लगती है। हाइड्रोजन कंबस्टिबल है एंड ऑक्सीजन सपोर्ट करता है, बट वॉटर तो एक फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, आपने देखो पानी तो आग बुझाने का काम करता है। तो हो गया ना, उनसे जिनसे मिलकर बना उससे प्रॉपर्टी डिफरेंट, याद रखना कंपाउंड्स में खास बात है ये। आगे बढ़ते हैं, तो कंपाउंड्स के टाइप होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं सर? इनऑर्गेनिक कंपाउंड द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज रॉक्स, मिनरल्स विच हैव टू और मोर एलिमेंट फ्रॉम ऑल 118 एलिमेंट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमें नॉन लिविंग सोर्स से मिलेंगे, निर्जीव पदार्थों से मिलेंगे, ठीक है, जैसे पहाड़ों से मिल गए, जैसे नमक है,
नमक पहाड़ों से समुद्र से मिलता है, मार्बल, वॉशिंग सोडा, ये सब, ठीक है। और ये 118 एलिमेंट्स में से किसी से भी मिला के बनाए जा सकते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग से मिले, ऑर्गेनिक क्या होगा, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बींग्स, लिविंग सोर्सेज, जो लिविंग से मिले। और लिविंग की जब भी हम बात करते हैं, हम बात करते हैं प्लांट्स की एंड एनिमल्स की। जनरली इनके अंदर होता है कार्बन, कार्बन तो होगा ही होगा, उसके अलावा क्या हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा। अब एक बात समझिए कि आप लोग आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री में बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और मैं आपको सरप्राइजिंगली बताऊं कि 118 एलिमेंट में से सिर्फ कार्बन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना दिया। मतलब थोड़ी बहुत दूसरे एलिमेंट्स की भी हेल्प ली है, बट मेजर पोर्शन जो है वहां पे कार्बन का है, और बहुत आसान लगती है, बस बेसिक क्लियर रखना आपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अच्छा, एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा जी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल्स, वैक्सीज। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है, लाइक ग्लूकोज, जिससे हमें एनर्जी मिलती है ना। प्रोटीन्स देखा होगा, खाने में प्रोटीन होनी चाहिए, प्रोटीन के डब्बे भी आते हैं, वो ऑर्गेनिक होते हैं, डब्बे तो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। आगे बढ़िए, इम्प्योर सब्सटेंस, जो प्योर ना हो, ठीक है। प्योर में सिर्फ एक टाइप होंगे, मिक्सचर में अलग अलग टाइप के होंगे। सर अलग अलग टाइप के तो कंपाउंड में भी होते थे, बट वहां पे रेशियो बाय मास फिक्स रहता था। यही मेन प्रॉपर्टी है कि इसमें क्या होगा, मिक्सड इन एनी रेशियो, मिक्सचर में किसी भी रेशियो में हो सकते हैं। दो तरह के मिक्सचर होते हैं बेटा जी, होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस। हिंदी बोले मांगी विच मांगी, बाकी हिंदी में नहीं जाना है। होमोजीनियस की बात करें, होमोजीनियस किसे कहेंगे, द मिक्सचर विच हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, जो बिल्कुल एक जैसा हो गया हो, जैसे सुगर सॉल्यूशन, मीठा पानी, पानी और चीनी को मिला दो, बिल्कुल देखने में आपको एक ही लगेगा, अपने तत्व से कहां पे चीनी है। नमक और बूरे का मिक्सचर होगा, नमक समझते हो ना, और बूरा पाउडर शुगर, उनको मिक्स कर दो, आपको बताना कौन सा नमक है कौन सा बूरा है, नहीं बता सकते मिक्सचर क्या है। अच्छा अब देखो, किसी भी रेशियो में ले सकते हो आप, मीठा पानी अगर बना रहे हो, कुछ ऐसा है क्या कि आपको चीनी का एक ही चम्मच लेना है, अगर कोई ज्यादा मीठा पीता है वो दो चम्मच भी डाल सकता है, अगर कोई कम मीठा पीता है तो वो इमेजिन भी कर सकता है कि इसमें चीनी है, शुगर पेशेंट इमेजिन में ही चलते हैं, ठीक है। एंड एक और बात, अ मिक्सचर हैज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, मिक्सचर के अंदर इसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, कंपाउंड्स में नहीं होती थी। अब मीठे पानी में पानी और मीठे दोनों की प्रॉपर्टी होंगी, और अगर बात करें सिकंजवी की, गर्मियों में सिकंजवी बहुत चलती है, तो सिकंजवी में भी होती है पानी, चीनी, नमक, नींबू से मिलकर बनती है, तो हरे का टेस्ट आता है उसमें से, है ना। हेटरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, द मिक्सचर विच हैव टू और मोर फेसेस एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट कंपोजिशन एंड एट डिफरेंट पार्ट ऑफ मिक्सचर। देखिए हेटरोजीनियस मिक्सचर किसे बोलेंगे कि देखो, होमोजीनियस क्या होता है, जो यूनिफॉर्म होता है, बिल्कुल एक जैसा हो जाता है, पानी और चीनी को मिक्स कर लिया बिल्कुल एक जैसे होंगे, आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अब चिकनजी बना दी वो हर जगह से एक जैसी होगी बिल्कुल, बट हेटरोजीनियस मिक्सचर क्या, जैसे चीनी में चावल मिला दिए, ठीक है, अब कहीं पे चीनी ज्यादा हो सकती है, कहीं पे चावल कम हो सकते हैं, या चावल ज्यादा हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। पानी में मिट्टी मिला दी या पानी में रेत मिला दी, वो मिक्स नहीं होगा, वो एक जगह पानी ज्यादा होगा, एक जगह रेत ज्यादा होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंस है समझिए, ये बहुत अच्छे से कर लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की क्लास का। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो, मिक्सचर में आप कंपोनेंट्स को किसी भी रेशियो में मिक्स कर सकते हो, और कंपाउंड में क्या होगा, फिक्स रेशियो बाय मास होगा। आगे समझिए, मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेटरोजीनियस, बट कंपाउंड्स हमेशा होमोजीनियस होंगे इन नेचर। मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होंगी डिपेंड करेगी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे, बट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या होंगी, एंटायरली डिफरेंट। मैंने एग्जांपल दिया था वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स है आप उनको बहुत आसानी से अलग कर सकते हो, बहुत आसानी से, अगर पानी में से नमक मिक्स कर दिया उसको अलग करना है तो अलग कर सकते हो आप, थोड़े बहुत एफर्ट डाल के गर्म कर दो पानी अलग हो जाएगा नमक, बट अगर आपको कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स अलग करने हो तो बहुत आसानी से अलग नहीं होते। अगर मैं आपको बोलूं वाटर में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करो तो भाई साहब साइंटिस्ट को भी बहुत टाइम लग जाता है, तो उतने आसानी से नहीं होते, क्लियर है। तो मिक्सचर को इजिली सेपरेट किया जा सकता है, इनको इजिली सेपरेट नहीं किया जा सकता। मिक्सचर जो बनते हैं वो फिजिकल चेंज से बनते हैं, मतलब आप क्या लोगे, पानी लोगे, चीनी लोगे, उनको मिक्स कर दोगे, बन जाएंगे वो। बट कंपाउंड हमेशा केमिकल चेंज से बनते हैं,
उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी तभी वो बनेंगे, अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो वो नहीं बनने वाली है। बात करते हैं मिक्सचर का, जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट शार्प, क्या मतलब है सर इसका? देखो शार्प कब कहोगे आप लोग, शार्प वर्ड का मीनिंग क्या है? लाइक ये मोबाइल है मेरा, मैं इसे बोल देता हूँ ये है 32,997 का है, जस्ट मैंने बात बोली 32,997, बिल्कुल एक चीज पॉइंट बोला मैंने, तो ये शार्प है। और मैं कहता हूँ यार होगा 30-35 हजार का, तो ये 30-35 हजार में बहुत से नंबर आ जाते हैं, तो ये एवरेज होगी। अब पानी में चीनी मिक्स कर दिया आपने, और वो कम भी कर सकता है कोई ज्यादा भी कर सकता है, तो मेल्टिंग पॉइंट वेरी करेगा, बट कंपाउंड में आप ऐसा नहीं कर सकते, कंपाउंड में आप फिक्स लोगे। इसी वजह से कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है शार्प होता है, बिल्कुल टू दी पॉइंट होता है। अब जैसे हम बोलते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वो फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रेशियो बाय मास जो है वो उनका फिक्स है। क्लियर है? अब बात करते हैं बेटा जी मिक्सचर में कभी भी हीट की इवोल्यूशन नहीं होगी, लाइट की किसी भी चीज की इवोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, नो एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टेक्स प्लेस, जबकि इसमें ऐसा होता है। एग्जाम्पल भी करने हैं आप लोगों को, मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या करोगे, सुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, एंड कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या करोगे, वाटर, सोडियम क्लोराइड, बेटा जी ये सब। तो ये है हमारा 1.2 लेक्चर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया है। अनअकैडमी मुझे जरूर फॉलो कर लेना, जो भी आपको डाउट हो आप मुझे वहां पे भेज सकते हो, एंड टेलीग्राम चैनल फॉर वीडियो लेक्चर्स एंड रेगुलर पीडीएफ, सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो वरिड है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो भी अपनी क्लास की ट्यूशन के रिगार्डिंग वर्ड है वो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, डेली 1 घंटे क्लास होगी हमारी, फील आएगी आपको बहुत बढ़िया वाली। जितने भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में उसका भी लिंक में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड एज ऑलवेज जय हिंद।